नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो से इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, पार्ट मतलब क्या है? खंड, अंश, भाग, विभाग, जो भी है उसे पार्ट कह सकते हैं। और स्पीच का मतलब क्या है? बोल, भाषण, प्रवचन, ये सब जो है इसे कहते हैं हम लोग स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया जो हम लोग जो बोली बोलते हैं उसका कितने अंश होते हैं, उसको एक साथ इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। तो क्या है, हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो हम लोग हर एक के बारे में ब्रीफली आइडिया लेके उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। हम लोग नाउन क्यों सीखेंगे, हम लोग प्रोनाउन क्यों सीखेंगे, हम लोग एडजेक्टिव क्यों सीखेंगे, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तारित रूप से। पहले हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नाउन की ओर। तो नाउन किसे कहते हैं? देखिए, इट रेफर्स एनी नेम, ये किसी भी नाम का उल्लेख करता है। मतलब आप जो इस दुनिया में जो भी जिस भी चीज का अस्तित्व देखते होंगे उसका कुछ न कुछ नाम होंगे, तो उसी को नाम कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर क्रांतिकारियों के नाम लिख रखा है, क्या महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री, भगवान दास, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, ये सब कौन है? ये सब हमारे देश के क्रांतिकारी है। और क्या उसके बाद कुछ हीरो हीरोइन के नाम, जैसे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सब जितने भी है ये सब क्या है? ये सब हीरो के नाम है। वैसे कुछ हीरोइन के नाम हमने लिख रखा है, क्या प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ठीक है, और कौन हीरोइन है? सोनाक्षी सिन्हा, ये सब जो है ये सब क्या हीरोइन हो गए। और क्या देखिए उसके नीचे एम जी रोड, द राजपथ, द रेड फोर्ट, ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे देश के कुछ इस जगहों के नाम है, कुछ रोडों के नाम है। वैसे देखिए नीचे उसके बाद कैट, कैमल, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, ये सब क्या है? ये सब जानवरों के प्रजाति के नाम है। वैसे देखो आप बॉय, गर्ल, मैन और मैन, ये सब क्या है? देखिए दोस्तों, बॉय किसे कहते हैं? लड़कों को किशोर अवस्था में बॉय कहते हैं और लड़कियों को गर्ल कहते हैं। वैसे मैन वोमन क्या कहते हैं? मैन वोमन, मैच्योर्ड इंसान को मैन कहते हैं और मैच्योर्ड लड़कियों को क्या वोमेन कहते हैं। वैसे देखिए उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर, ये सब कौन है? ये सब प्रोफेशन के नाम है ना। वैसे मैट, शर्ट, पैंट, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ ना कुछ चीजों से बना हुआ है। लिट्टी चोखा, ठेकुआ, रोटी, चावल, आटा, परोटा, बिरयानी, ये सब क्या है? ये सब खाने की चीजों के नाम है। तो उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो सब मतलब भूतल के ऊपर अवस्थित कुछ हिस्सों के नाम है, हिल, माउंटेन, रिवर, सी, ओशन, है ना। तो उसके बाद कुछ शहरों के नाम है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर, भोपाल। कुछ देशों के नाम जैसे हो गए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। वैसे अब देखिए नाउन के बारे में जो वेटेज देता है, यही है क्या? कम्युनिटी, समिति, सोसाइटी, यूनियन, ग्रुप, क्लास, ये सब क्या हो गए? ये सब गुट के नाम हो गए। वैसे किसी जात पात का नाम अगर आपको कहने कहें, आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण, हरिजन, राजपूत, तेली, कुर्मी, भूमिहार, यादव, पासवान, दलित, अपर कास्ट, है ना। तो अब देखिए आगे कुछ धर्म का नाम अगर हम लोग इंडिया में जानते हैं तो क्या जानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और क्या किंगडम पहले जो था उसका व्यवस्था को किंगडम कहेंगे। विजडम क्या बुद्धिमत्ता को कहते हैं। सारथ क्या सारथ को कहते हैं। नोटिनेस, तो नोटिनेस अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग नाम की तरफ। दुनिया जो टिकी है ये दोनों के लिए टिकी है, काइंडनेस और पेट्रियोटिज्म। तो देखिए हम लोग अगर कुछ काइंडनेस के एग्जांपल देखें, जैसे घर में हम लोग बुजुर्ग के ख्याल रखते हैं, ठीक है, इस क्या होंगे? ये हो गए काइंडनेस के, दयालुता के उदाहरण। जैसे हम किसी बेसहारा को सहारा देते हैं या किसी को जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े होते हैं, तो ये सब क्या हो गए? ये सब काइंडनेस के एग्जांपल हो गए। और इसी आप अगर चाहें देख सकते हैं यहाँ पेट्रियोटिज्म क्या हो गए, हमारे दिल में हमारे देश के लिए जो भावना है, हमारे देश के लिए जो सद्भावना है, कुछ कर्ण मिटने का, यही सब क्या है? ये सब पेट्रियोटिज्म के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो नाउन के बारे में इतना ही काफी है पहला स्तर पर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसके बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। अब चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। तो प्रोनाउन क्या है? देखिए दोस्तों, प्रोनाउन देखिए नाउन के बदले में जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक सर्वनाम एक शब्द है जो जिसका इस्तेमाल नाम के स्थान पर किए जाते हैं। मतलब बहुत सा सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, बहुत सा सिंपल यहाँ का डेफिनेशन है। तो क्या देखिए इस महादेव को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्या ये जो है अमिताभ बच्चन है। ये जगह अगर कहीं भी जाए इंट्रोडक्शन दे खुद का, क्या कहेंगे? हाय आई एम अमिताभ बच्चन। तो ये जो आई का इस्तेमाल किए ये क्या हो गए? एक प्रोनाउन हो गए, ठीक है।
वैसे ही देखिए नीचे वाला तस्वीर में हम लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, ही इज अ सीनियर एक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या हो गए, तो क्या ही जो हो गए यहाँ पे, क्या हो गए ही जो हो गए यहाँ पे, पूर्ण हो गए। और से देखिए सुंदर से बच्चे को देख के हम लोग दो एक चीज लिख सकते, दो एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि सी इज मी 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 इज माई डॉटर, सी इज 2 ईयर्स ओल्ड। तो क्या हो गए हम लोग अगर यहाँ पे सी का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी सी जो क्या है, सी हो गए यहाँ के प्रोनाउन। जैसे सी इज मिमी, ओ मिमी है, मिमी इज माई डॉटर, ओ मेरा सुकन्या है, सुपुत्री है। तो माई क्या हो गए, माई हो गए यहाँ पे प्रोनाउन। और से दूसरे सेंटेंस में देखिए सी इज 2 ईयर्स ओल्ड, मतलब क्या, मतलब वो 2 साल के हैं। मतलब यहाँ जो सी का इस्तेमाल किया हमने, ये भी प्रोनाउन का, प्रोनाउन के लिए किए। तो देखिए दोस्त हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में प्रोनाउन हमेशा यूज करते हैं, तो क्या हमें इसे सीख लेना चाहिए। चलिए और कुछ देखते हैं प्रोनाउन के एग्जाम्पल। देखिए हीज और ही हार दोनों के मतलब उनके हैं। हीज मतलब हम हमेशा हम लोग लड़कों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और हार मतलब हम लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई मतलब मैं, हुई मतलब हम, यू मतलब आप, है ना, ही मतलब ओ, सी मतलब ही ओ, तो दे ही सी जो है वो ऐसे ही है जैसे हीज और हार के हैं। मतलब ही जो है पुरुषों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सी जो है स्त्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और से देखिए दे मतलब वे, दे मतलब उन्हें, मी मतलब मुझे, माइन मतलब मेरी, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन 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 से, हुम मतलब किसको, एवरी बॉडी मतलब क्या है, सब कोई, और एवरीवन मतलब हर कोई। और जब हम कुछ खुद काम करते हैं तो क्या कहते हैं, माई सेल्फ कहते हैं, खुद स्वयं, है ना। ऐसे तुम खुद करो तो क्या कहेंगे, योर सेल्फ, है ना। ऐसे दिस मतलब इस, इट मतलब अ, डट मतलब उस, और दिस मतलब दिस मतलब भी उन है, उन सब होगा यहाँ, ये प्लूरल है, मतलब बहुत सारा चीज एक साथ करने को कहते हैं दिस। ऐसे आदर मतलब कोई एक, मतलब दो में से कोई एक हो, या दो तीन में से कोई एक हो, दो चार में से कोई एक हो, तो क्या हो गया, आइदर हो गया। उससे निधर क्या हो गया, नादर या निधर जो भी कहे, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ठीक है। तो क्या निधर मतलब हो गया कोई भी नहीं, मतलब एक में से भी कोई भी नहीं, दो में से कोई नहीं, तीन में से भी कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपके प्रोनाउन। तो हम लोग प्रोनाउन को खत्म करते हुए आप एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। एक इसे एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम लोग अगर देखेंगे तो, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव एक शब्द या शब्द गुच्छ है जो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब उसको खासियत से, मतलब अच्छी तरह से दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग जब इसको एग्जांपल देखेंगे ना तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे देखिए ए हैंडसम बॉय मतलब क्या, एक सुदर्शन बालक, ठीक है, देखने में बहुत सुंदर बालक को कहते हैं सुदर्शन बालक, हैंडसम बॉय, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ जो ये हैंडसम लगा दिया हमने, क्या सुदर्शन लगा दिया, तो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे हम कहेंगे बैड बॉय या गुड बॉय, तो क्या हो गए, बॉय के सामने कुछ लग गया, मतलब उसको एक क्वालिफाई कर रहा है जो लड़का है अच्छा या खराब है, तो क्या हो गए, ऐसे दोस्तों एडजेक्टिव हो गए। जैसे हम लोग खाने का नाम कहेंगे कि नमकीन, ठीक है, तो नमकीन खाना, मीठा खाना, तीता खाना, ठीक है, खट्टा खाना, तो ये सब क्या खाने के सामने लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता, क्या हो जाते हैं, ये उस खाने को क्वालिफाई कर देते हैं, कैसे खाने हैं, खाने के बारे में और अच्छा से बोल रहे हैं ना, कुछ स्पेसिफिक बोल रहे हैं, तो यही हो गया आपका एडजेक्टिव। जैसे हम लोग इस तरह में अगर देखे तो क्या, अगर सर ने हमें कहे कि आज जाओ तो मृदुल को बुला के लाओ, तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कौन मृदुल है। लेकिन अगर कहे जो वो जो है स्काई ब्लू पहन के शर्ट है वो मृदुल है, या जो ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप है जो ये बालक इसका शर्ट है ना, शर्ट पहन के है वो मृदुल है, तो हम लोग जल्दी से पहचान लेंगे, जाकर डायरेक्ट उसी से पूछेंगे जो आपको सर बुला रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, शर्ट का कलर को इन्होंने मतलब स्पेसिफाई कर दिया, तो यही को इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, देखिए आपको किसी दोस्त ने बोला जाओ तो निशा के बुला, निशा को बुला के लाओ, ठीक है, तो बुला के लाइए, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा निशा है, जाके पूछेंगे सबसे आप में से कौन निशा है। लेकिन आपको अगर कहे कि निशा जो ब्लू जैकेट में है, तो क्या वही निशा है, तो हम आप क्या कहेंगे, आ जाके क्लास में डायरेक्ट उससे कह सकते हैं जी निशा जी आपको बुला रहे हैं सर। तो ऐसे ही, तो बात ऐसे ही है कि जैकेट को यहाँ क्वालिफाई कर रहा है कि ब्लू कलर का है, तो आप हम जाके डायरेक्ट पहचान ले रहे हैं, ठीक है। वैसे कुछ अपल अगर हम लोग देखें, डीप एप्पल मतलब पक्का एप्पल सब, ठीक है, सम एप्पल कह सकते हैं, कुछ कुछ एप्पल है, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, एट रिप एप्पल्स, तो क्या हो गए सम, एट, ये सब क्या हो गया, या रिप क्या हो गए, ये सभी जो है एडजेक्टिव हो गए। जैसे रिप मतलब पका हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, हम लोग जब रिप देखेंगे तो सोचेंगे पका हुआ एप्पल्स है, ठीक है, और सम लिखेंगे सम, ए सम रिप, तो सम भी एडजेक्टिव हो गए, रिप भी एडजेक्टिव हो गए, तो क्या हो गए, मतलब एक जो है नाउन एप्पल्स को दोनों मिलके ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे एट रिप एप्पल्स कह सकते हैं। तो हम क्या देखे, हमने देखे कि एक नाउन को एक से अधिक भी वर्ड भी क्वालिफाई कर सकता है, जैसे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप शर्ट, तो यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या देखे, यहाँ सम रिप एप्पल, एट रिप एप्पल्स, ऐसे ही है, ठीक है।
ये रोज वन रोज हम लोग क्या कह सकते हैं, एक रोज को मतलब इतना सुंदर फूल जो है हम लोग देख रहे हैं, तो कि इसको क्या कहते हैं, एक 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 गुलाब, ठीक है, इसको ए भी कह सकते हैं, वन भी कह सकते हैं, ए कब कहेंगे, वन कब कहेंगे, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और सिर्फ दो गुलाब को कह सकते हैं, दो गुलाब कहते हैं, तब क्या लिखेंगे, टू रोजेज लिखेंगे वो दोस्तों, ठीक है, आर ओ एस ई एस, ठीक है, एक रोज टू प्लूरल हो गया ऐसे रोज। और इसी अगर किसी मतलब हम लोग आइसक्रीम कब खाते हैं, जब बहुत बहुत क्या गर्म हवा रहता है या हॉट हॉट वेदर रहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, हॉट वेदर कहते हैं। और इसी साफ पूरा साफ वेदर मतलब क्या हम लोग कहते हैं, क्लियर क्लियर वेदर, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हम देखिए लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या, तरल पदार्थ, तरल है, तो पानी जो पीते हैं वो तरल है, दूध जो पीते हैं वो तरल है, जो किरोसिन डीजल हम लोग पेट्रोल देखते हैं वो सब क्या है, तरल पदार्थ है। वैसे कठिन पदार्थ क्या है, कठिन जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है, कठिन है। ऐसे ऐसे गैस क्या है, गैस देखिए हवा को कहते हैं गैस, ठीक है, हवा हवा जो है गैसीय हो गया, वैसे क्या हो गया, वैसे धुआं जो है गैसीय हो गया। तो ऐसे कुछ हम लोग एडजेक्टिव एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, देखिए गुड बैड टॉल शॉर्ट ड्रॉफ है ना, ड्रॉफ मतलब बामन व्यक्ति को कहते हैं, शॉर्ट मैन कहेंगे या ड्रॉफ कहेंगे, दोनों से एक कहेंगे, ड्रॉफ मैन ने कहेंगे कहीं भी। और से बिग लार्ज डिसेंट मतलब सभ्य हंसम मतलब रूपबान ब्यूटीफुल मतलब लड़कियों को हम लोग, या प्रकृति के बारे में कहेंगे, या कुदरत के बारे में, कुछ दृश्य के बारे में हम लोग ब्यूटीफुल के शब्द का यूज करेंगे या लड़कियों के बारे में करेंगे। और से हॉट मतलब गर्म और क्या कूल मतलब ठंडा। और से खाने के बारे में जब हम लोग कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे, क्या एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे स्वीट हो गया मीठा, स्वर हो गया खट्टा, सॉल्टी हो गया नमकीन, स्पाइसी हो गया मतलब मसालेदार। और इसे किसी सरफेस के बारे में कहेंगे, किसी तल के बारे में अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मूथ है कि चिकना है कि है ना रफ है या रूखा है, ऐसे कहते हैं। और इसे अगर किसी नंबर को कहते हम लोग डिनोट हम लोग कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, किसी नंबर को हम लोग कहते हैं तो वन टू थ्री, और कुछ मेमोन को समझाने के लिए फ्यू सम मैनी ऐसे यूज करते हैं। और इसे देखिए आपको मतलब किसी वेदर के बारे में अगर हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्लियर है या ड्राई है या फॉगी है, धूमिल मतलब है ना, विंडी है, हवादार है कि तूफानी मतलब ऐसा हो गया। और से किसी कलर के बारे में हम लोग अगर एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो क्या हो गया, रेड ब्लैक ऑरेंज ब्लू, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए आपके कलर के नाम। से हम लोग किसी पदार्थ का अवस्था को स्टेट को अगर समझाते हैं, तो क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस ये हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ने एडजेक्टिव देख लिया, एडजेक्टिव देखने के बाद हम लोग चलेंगे अब भाग की तरफ, भार। तो दोस्तों हम लोग किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं उसी में भार आ जाते हैं। जैसे देखिए ये एक शब्द है जिसमें एक व्यक्ति या चीज के बारे में कुछ कह रहा है, आप किसके बारे में कुछ कह रहे हो, तो वही हो गया आपके भार, ठीक है। जैसे जैसे इस सुंदर से बच्ची को देखिए, बहुत ही गुड गर्ल है, ये क्या करते हैं, हर सब हर रोज सवेरे उठ के ये पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो क्या जब वो लिखते हैं हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए ये बच्चा नया नया पैदल चला है, कहीं घूमने गया है मम्मी पापा के साथ, इधर उधर टहल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, चलना कहेंगे, है ना। ऐसे कुछ खाना बनाने को हम लोग क्या कहेंगे, कुक कहेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ भाग का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, स्टडी मतलब अध्ययन करना मतलब अच्छा से पढ़ना, ठीक है। टॉक मतलब बातचीत करना या वार्तालाप करना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, वॉक मतलब चलना, लर्न मतलब सीखना, टीच मतलब सिखाना, कुछ भी सिखाना हो सकता है, लर्न मतलब सीखना मतलब कुछ भी सीखना हो सकता है। आप बाइक चलाना सीख रहे हो, या आप सिलाई का मशीन चलाना सीख रहे हो, या आप खाना पकाना सीख रहे हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। वैसे क्या टीच मतलब भी कुछ भी सिखाना हो सकता है, टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, कुक मतलब खाना पकाना, मेक मतलब बनाना जैसे चाय बनाना, कुछ भी बनाना हो सकता है। वैसे ही ड्राइव मतलब कुछ भी चलाना हो सकता है, जैसे आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो या कुछ मशीन चला रहे हो, ठीक है, कुछ भी चला रहे हो, इसको क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। वैसे डू और वर्क दोनों को करना मतलब डू मतलब करना, वर्क मतलब काम करना। जैसे डू शब्द को क्यों रखा गया है, जैसे मैं कहूंगा आपको ये मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब कहेंगे, कभी भी वर्क सब्सक्राइब नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा भाग का एग्जांपल। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप नीचे भाग के फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, भाग के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म जो है हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में काम लगते हैं, और पास्ट टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में काम आते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जो है पास्ट पार्टिसिपल जो है परफेक्ट टेंस में काम आते हैं और वॉइस टेंस के समय लगते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस डू है ना, गो, गिव, टीच, जो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो भर्ब के जनरल फॉर्म होते हैं, उसको चेंज करके पास्ट फॉर्म किया जा सकता है। कैसे, डिड, वेंट, गेव, टॉट, वर्क, ये सब क्या हो गए, सब पास्ट फॉर्म हो गए। किसके, ये जो बाई तरफ प्रेजेंट फॉर्म के भाव हैं उसके ये पास्ट फॉर्म हो गए। और से इसका पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो गए, इसका पार्टिसिपल फॉर्म हो गए आपका डन, गॉन, गिव, टॉट, वर्क।
तो वर्ब एक ही है, लेकिन हम लोग इसको चेंज क्यों करते हैं? हम लोग इसको इसलिए चेंज करते हैं कि कहीं किसी भी सेंटेंस में वो सेंटेंस कब घटित हो रहा है, कब हम लोग उसको घटना को घट रहा है उसको समझाने के लिए हम लोग ऐसा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने वर्ब देख लिया, तो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं। तो चलते हैं कि जोर से चलते हैं कि आस्ते चलते हैं, इसको समझाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? उसको समझाने के लिए हम लोग करते हैं एडवर्ब का यूज। तो एडवर्ब क्या चीज है, देखिए, ये एक शब्द या वाक्यांश है, वाक्यांश है जो एक क्रिया, एक विशेषण या एक क्रिया विशेषण को संशोधित करता है। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं तो कैसे आस्ते या धीरे, किसी कोई काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं, मतलब जोर से कर रहे हैं, बहुत मतलब उल्टा पुल्टा करके कर रहे हैं, तो यही सब है एडवर्ब। देखिए दोस्तों, इस तस्वीर सबको देखिए, आप देखिए इस बच्चे को, ये जो है ये डॉक्टर जो है बहुत अच्छा से मतलब प्यार से बहुत उसको ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होंगे, केयरफुली कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप अगर किसी नाजुक चीज को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे तितली हो गए, तो क्या हो गए, ये आपको बहुत बहुत सहूलियत से करना पड़ेगा, मतलब बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप कुछ मतलब बहुत माइनोर मतलब छोटा छोटा चीज लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपको तभी भी आपको सावधानी से करना होगा। ऐसे जब खतरनाक कुछ खतरों से भरा कुछ रस्ते से जा रहे हो, तो क्या आपको वहां से सावधानी में चलना पड़ेगा? तो क्या केयरफुली मतलब क्या हो गया दोस्तों, सावधानी से। ठीक है, वैसे देखिए हम लोग भाई बहन बस में घर में चिल्लाते हैं तो क्या, लाउडली, है ना, दे फॉट लाउडली, मतलब क्या, वो लोग झगड़ रहे थे जोर जोर से। ठीक है, तो ऐसे लाउडली मतलब हो गया जोर जोर से। वैसे देखिए दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, तस्वीर को देख के हम लोग को खुश होना चाहिए कि देखिए मतलब कुछ स्माइल से, कुछ खुशी से जी रही है ये लड़की, वैसे हम लोग को भी जीना चाहिए आनंद से। तो क्या, लिव योर लाइफ हैप्पीली, मतलब दोस्तों हमेशा आप खुद से रहने की कोशिश करो, तब आपका जिंदगी ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आगे की तस्वीर, ये सडनली ना गिर गए, मतलब कि अचानक से गिर गए। क्या, सी हैज सडनली फेलन ऑन द वे, मतलब क्या हो, रास्ते में अचानक से गिर गई, है ना। तो और अगर हम लोग एडवर्ब का एग्जांपल देखें, क्या क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लाउडली मतलब जोर जोर से, स्लोली मतलब धीरे से, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, ब्रिस्कली मतलब एकदम एनर्जेटिक वे से, है ना, चलना, वैसे हैप्पीली मतलब आनंद से, केयरफुली मतलब सावधानी से, और क्या देखें हम लोग, जैसे स्पष्ट रूप से, क्या क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, नॉइसली मतलब शोर शराबे के साथ, या शोर से, सडनली मतलब अचानक, डेली मतलब रोज, रेगुलरली मतलब क्या, नियमित रूप से, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, रेगुलरली, रियरली मतलब शायद ही कभी, यूजली मतलब आमतौर पर। देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी शब्द है ना, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेकिन क्या हम लोग ये याद नहीं रखते हैं कि इस मतलब इसका, इस हिंदी शब्द का इंग्लिश मतलब क्या होगा? तो हम लोग पहले ऐसे ही सीखेंगे हिंदी का इंग्लिश क्या होगा, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी दाहिने को देखिए, डायरी के पन्ने में क्या है, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, हरी मतलब जल्दी कीजिए या जल्दी करो। ठीक है, सुन मतलब शीघ्र ही, नव मतलब अभी, और गेन मतलब तब, हार्ड मतलब कठिन या कठिन परिस्थिति या जटिल परिस्थिति, कुछ भी कही है दोस्तों। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग हम लोग यहीं रोकते हैं, और हम, मेरा नाम है रविन्द्रनाथ दास। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर जरूर इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम लोग नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, और हैव ए नाइस डे।